हाय गाइस, आज मैं बात करने वाला हूं अक्षय कुमार की सैफिरा मूवी रिलीज हो चुकी है थिएटर में। आज उनके साथ एक और मूवी रिलीज हुई है जिसका नाम है हिंदुस्तानी 2, जो कि कमल हसन के द्वारा बनाई हुई मूवी है, जो कि उनका पहला पार्ट आ चुका है 1996 समथिंग में, एंड अभी हिंदुस्तानी 2 आई है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। आज मोस्टली मैं बात करने जा रहा हूँ सैफिरा 2 के बारे में। सैफिरा 2 के बारे में मैं बता देता हूँ, अक्षय कुमार ने जो मूवी बनाई है साउथ की एक मूवी है जिसका नाम है सोराराई पोट्रू, जो कि सूर्या की मूवी है, उसका ये एक रीमेक है, उसके ही बेस पे बनाई हुई मूवी है। रीमेक मैंने जब इनका ट्रीजर आया था या पोस्टर आया था तभी आपको बोला था, क्या बॉलीवुड के पास अपनी कोई स्टोरी नहीं है। खैर बहरहाल इस मूवी के बारे में बात कर लेते हैं। मूवी जब मैंने देखी, जो अक्षय कुमार का कैरेक्टर है उसका नाम वीर मात्रे है, जो कि ट्रेलर में भी आपको बताया गया। वीर मात्रे जो है गाइस वो एक पायलट होता है जो कि एयरलाइंस में काम करता है, लेकिन किसी वजह से उसको वो छोड़ना पड़ता है। वहाँ कुछ इंसिडेंट्स होते हैं जो कि आपको देखना पड़ेगा, सब कुछ मैं बता दूंगा तो आप कैसे बताएंगे। वो उसके बाद डिसाइड करता है कि खुद की एयरलाइन स्टार्ट करेगा और लोगों को जो एयरलाइंस का उस टाइम का किराया है उसमें आधे रेट में ट्रैवल कराएगा। उस टाइम ये बात हो रही है 2001 या 2002 या 2000 के आसपास की बात है। परफॉर्मेंस की बात करते हैं गाइस, परफॉर्मेंस एज लाइक ऑलवेज अक्षय कुमार हमेशा से ही अच्छी देते हैं। देखो उनकी एक्टिंग के बारे में मैं कभी डाउटफुल नहीं होता, क्लास एक्टर होते हैं, लेकिन स्क्रिप्ट अच्छी नहीं मिल रही है। इस साल की उनकी दूसरी मूवी है, पहली आई थी छोटे मियाँ बड़े मियाँ, जो कि उतना नहीं कर पाए जितना हमने एक्सपेक्ट किया था। इसमें वो एक सीरियस रोल करने जा रहे हैं जो कि काफ़ी हद तक अच्छा है, लेकिन अगर आप लोगों ने साउथ की मूवी देखी सोराराई पोट्रू, जो कि अवेलेबल है हिंदी वर्जन में भी उड़ान नाम से Amazon Prime पे, जो आप देख सकते हैं अगर आपको देखना है तो। उस मूवी का ग्राफ बहुत बड़ा था एंड ये रीमेक है, ऑब्वियसली लोग उस नज़रिए से भी देखते हैं, लेकिन अगर आप अक्षय कुमार के फैन हैं आप देख सकते हैं। अगर आपको एक्टिंग देखनी है देख सकते हैं, बहुत सारे सीन ऐसे हैं जो आपको इमोशनल भी करेंगे एंड एक्टिंग वाव है, जहाँ पे गुस्सा है एंगर है सब कुछ वाव किया है उन्होंने। लेकिन माइनस पॉइंट ऐसा है कि गाइस प्लॉट उतना वाव नहीं लगेगा आपको। दूसरा, इसमें जो मेन किरदार में जो लड़की है राधिका मदान, उन्होंने भी काफ़ी अच्छा कैरेक्टर किया, मराठी कैरेक्टर प्ले किया, ये भी एक मराठी कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। एंड इसमें जो विलन का काम किया है जो कि परेश रावल ने किया, उनका नाम भी परेश है, एंड वो भी काफ़ी अच्छा किरदार उन्होंने किया है। जैसे कि आपने मैदान में देखा था ना, वो कैरेक्टर था जो हमेशा उनको क्रिटिसाइज करता रहता था और उसको देख के गुस्सा आता था, तो ऐसा ही सेम कैरेक्टर होगा जिसको देख के आपको गुस्सा आएगा। खैर सूर्या का इसमें लास्ट में एक सीन है, बहुत ज़्यादा सीन तो है नहीं, आप देख सकते हैं, आप देख के इन्जॉय कर सकते हैं मूवी को, बट रीमेक क्यों बनाया मैं बस यही पूछना चाहता हूं। अगर ये ओरिजिनल स्टोरी होती तो भी चल जाती नहीं। इसके जो डायरेक्टर हैं वही हैं जिन्होंने सोराराई पोट्रू को ही वो किया था, डायरेक्ट किया था, रिटर्न किया था, सेम डायरेक्टर इन्होंने यूज किया है। एंड जो सूर्या है वो इसको प्रोड्यूस भी कर रहे हैं इस मूवी को। अक्षय कुमार की एक्टिंग वाइज अच्छी है गाइस, स्टोरी वाइज उतना वो नहीं है, एंड एक्टिंग देख सकते हो अगर आपको देखनी है तो। हिंदुस्तानी 2 मेरी देखनी बाकी है, वो मैं देखूंगा कैसी है कैसी नहीं है। मुझे पता था, पहले ही मैंने बताया था कि रीमेक है तो उतना वाव नहीं, क्योंकि रीमेक वर्ड सुनते ही आपका माइंडसेट ये हो जाता है कि जब ऑलरेडी वो चीज़ बन चुकी है तो हम क्यों देखें, क्योंकि आप सीन भी तो डिट्टो बनाते हो ना, बिल्कुल एज इट इज़ बनाते हो, थोड़ा बहुत भी इधर उधर नहीं करते हो। और जबकि सूर्य ऑलरेडी इतना बड़ा स्टार है, इतनी बड़ी वाव परफॉर्मेंस देता है, आपको टच नहीं करना चाहिए था। परफॉर्मेंस वाइज तो मुझे कोई डाउटफुल नहीं है, लेकिन खैर देखिए एक बार में तो आप देख सकते हैं जाके मूवी को, अच्छी है मूवी। एंड देखिए स्टोरी देखिए, एक आदमी आपके लिए क्या कुछ कर रहा है, सिस्टम से लड़ रहा है ताकि आप लोगों को ट्रैवलिंग में आसानी हो, फ्लाइट की आम लोग भी जा सके, आम इंसान भी जा सके, एक रुपये में ट्रैवलिंग कराना चाहता आपको। सो देखिए गाइस, जाके देखिए एंड मुझे भी बताइए आपको कैसी लगी। टिल देन